जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि अचानक निधन से पूरे क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है। दोस्तों बता दें कि अभी अभी हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा मशहूर क्रिकेटर हमारे MS धोनी को लेकर के अभी अभी की सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि अचानक निधन से पूरे क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है। तो आइए इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताते हैं, आखिरकार कैसे निधन हुआ है। तो आइए आज के इस वीडियो में बड़ी दुखद के बारे में जानकारी बताते हैं कि आखिरकार हमारे भारतीय पूर्व क्रिकेटर और कप्तान का कैसे निधन हुआ है। दोस्तों बता दें कि लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, अचानक निधन से पूरे क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है। दोस्तों बता दें कि 40 टेस्ट मैचों में अपने करियर में 3.7 की औसत से रन बनाए थे। दोस्तों बता दें कि अपने करियर में 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल किए थे। बता दें कि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 201 रन था और बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध कई सारे रन बनाए थे। दोस्तों बता दें कि हमारे भारतीय पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो चुका है, जो कि इनके निधन पर हमारे MS धोनी यानी कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने दुख जताए हैं। दोस्तों बता दें कि MS धोनी के बहुत ही ज्यादा अंशुमान गायकवाड़ एक बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड माने जाते थे और उनके निधन पर हमारे MS धोनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर पोस्ट करके बड़े दुख के साथ जानकारी दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ के निधन से आज पूरे क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है। तो ये सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि इस खबर को सुन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें नम हो गई है। दोस्तों बता दें कि पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि कोच भी रह चुके थे, जो कि लंबे समय बीमारी के बाद आज उनका निधन हो चुका है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।